मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उन्हें 28 मई को मुख्यमंत्री पद संभाले 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब कैबिनेट ने उद्धव की कुर्सी बचाने के लिए उनको राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाने की सिफारिश गवर्नर भगत सिंह कोशियारी से की है। ऐसे में अब गेंद भगत सिंह कोशियारी के पाले में है। कल तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता भगत सिंह कोशियारी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन आज महा अघाड़ी के नेता राज्यपाल के घर के चक्कर लगा रहे हैं। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कोशियारी के रवैये से नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी ओर महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य मनोनीत नहीं कर सकते हैं, उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा, इसके बाद ही वे दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पाटिल ने कहा है कि उद्धव को अब तक विधान परिषद सदस्य बनने के 3 अवसर मिले, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में मनोनीत एमएलसी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य का चुनाव जीतना पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि गवर्नर कोटे वाला विधान परिषद सदस्य गैर राजनीतिक होना चाहिए, ऐसी परंपरा रही है। ऐसे में बहुत कुछ गवर्नर के रुख पर निर्भर करेगा। बता दें कि राज्यपाल की कोटों पर खेल, कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य आदि क्षेत्रों से आने वाले विद्वानों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल जो बवाल देखने को मिला था, उससे लग रहा है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। चंद्रकांत पाटिल के बयान से ऐसा ही लग रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की 2 सीटें खाली है। इन्हीं में से 1 सीट पर कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे को नामित करने की सिफारिश राज्यपाल के पास भेजी है। अगर राज्यपाल सहमत हो जाते हैं तो उद्धव की कुर्सी बच जाएगी, लेकिन अगर राज्यपाल सहमत नहीं होते हैं तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कैबिनेट को भी इस्तीफा देना होगा और कैबिनेट समेत सीएम को फिर से शपथ लेना होगा, जिससे उन्हें फिर से 6 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी मौके के इंतजार में घात लगाए बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।